सर आपका नाम? मोहम्मद जकी। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे ये फाटक के बारे में? सर, फाटक के बारे में ये कहना चाहूँगा कि आने जाने में आने मुझे 20 या 22 बरस हो गए, आने जाने में बहुत दिक्कतें आ रही है। मैं साइकिल चलाता हूँ, साइकिल के ऊपर आता हूँ तो कई वक्त जो है मेरे को मौत से सामना करना पड़ता है। घर में जो है बीमारी की वजह से मुझे फ़ोन पर घर पर बुलाया जाता है, बच्चों को मेरी माँ की तबीयत ख़राब रहती है तो जल्दी जाने के चक्कर में इधर उधर से पटरियों के ऊपर से मुझे जाना पड़ता है। कई वक्त तो ऐसा होता है रात में मुझे ट्रेन दिखती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हिम्मत करके निकलने की कोशिश करता हूँ और घर की तरफ जब रवानगी डालता हूँ तो सामने मुझे ट्रेन दिखती है। मतलब ये है कि कभी भी जो है कोई वक्त भी हादसा हो सकता है, इस चीज़ की परवाह ना किए बगैर मैं अपने घर की तरफ रवानगी डालता हूँ, लेकिन ये मुनासिब नहीं है। ये जहाँ यहाँ पर जो पुलिया बनाई गई है, पुलिया को जो है चालू किया ना किया गया जाने की वजह से जो है लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इससे जो है लोगों को जो परेशानी आती है ये बहुत ज़्यादा दुखदायी है। और यहाँ आने जाने वाले हमेशा जब भी यहाँ से निकलने होता है तो हमेशा ये फाटक के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा गर्दी रहने की वजह से दुकान में जाने में भी देर होती है। मैं मजदूर आदमी हूँ और साइकिल पे दुकान जाता हूँ तो कभी कभी एक एक घंटा दो दो घंटे में साइकिल के ऊपर भी मुझे इतनी तकलीफों का सामना करना। जी सर, आप हमारे ब्रिज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, ये जो अंडर ब्रिज बनाया है जल्द से जल्द चालू होना चाहिए, जो लोगों की तकलीफ जो है दूर होना चाहिए और यहाँ आने जाने वालों को काफ़ी राहत पहुँचेगी अगर ये ब्रिज चालू। सर, हमारे आपके फाटक के खिलाफ आइए कि यहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट वगैरह और काफ़ी दुर्घटनाएं होती है, तो इस चीज़ में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये कंप्लीट सही आई है या गलत आई है? नहीं, सब बिल्कुल एकदम सही है। हमारे घर से बस्तुपुरा से बहुत अभी एक हफ्ते पहले, महीना भर पहले एक लेडीज को है ना ट्रेन के नीचे आ गई। हम घर से अपने साथ दुकान से यहाँ तक बस्तुपुरा है, उसको उठा के 108 में डलवा के फिर उसको यहाँ से भेजा। कभी कभी हमारे सुबह 8 बजे फाटक लगता है, बच्चों को स्कूल लेके जाना तो उसमें परेशानी, पूरा घूम के जाना पड़ता है, यहाँ तो रास्ता भी नहीं मिलता। ब्रिज की मंडी के पास से बस जा रहा हूँ, वहाँ से घूम के आ रहा है, बस परेशानी, बच्चों को पेपर देते चल रहे हो, वहाँ पर दिक्कत ज़्यादा आ रही है। जी सर, आप तो क्या कहना चाहेंगे? जल्द जल्द जल्दी नहीं पुलिया बन जाए तो इससे सुकून मिल जाए। एक तो मंडी वाले भी अपना रास्ता बंद कर देते हैं, वहाँ से कहाँ से निकलेंगे फिर, या तो पूरा घूम के जाओ फिर या तो ब्रिज का इस्तेमाल करें। सर, ये कौन सा फाटक कहलाता है? पूरा फाटक कहलाता है। लाइव ओके से बात करने के लिए धन्यवाद सर।